हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर जमाल आजमी, मुंबई से कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड यूरो ऑंको सर्जन, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल एंड सैफी हॉस्पिटल। आज मैं आपके सामने पेशाब की नली की सिकुड़न यानी स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा ये जो बीमारी है आदमियों को होता है, ज़्यादातर औरतों को होता है, उसको हम मीटल स्टिनोसिस या ब्लैडर नेक स्टिनोसिस बोलते हैं। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या रहते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएं टाइम पर, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें जांच हमको क्या करना है, मैं आपको ये बताऊंगा कब क्या जाँच करनी रहती है और ट्रीटमेंट क्या रहता है। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा जो रहता है, पेशाब की नली में सिकुड़न आ जाती है, उसको हम बोलते हैं। नॉर्मली जो पेशाब का रास्ता ऐसा रहता है, स्ट्रेट रहता है, और स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में क्या होता है, पेशाब की नली सिकुड़ जाती है। पेशाब की नली सिकुड़ने से क्या होता है, पेशाब की थैली जो होती है उसमें सूजन आ जाता है, ये चौड़ी हो जाती है, उसकी वजह से फिर किडनी में भी सूजन आता है। और पेशाब रुकने की वजह से फिर क्या होता है, जब नली में सिकुड़न रहती है, यहाँ पे समझो सिकुड़न है, पेशाब नहीं आता है, तो उससे तकलीफ क्या होती है। नॉर्मली जो पेशेंट जो मरीज रहते हैं वो बोलते हैं पेशाब की धार बारीक है, धार बहुत बारीक हो रही है, रुक रुक के हो रही है, जोर लगाना पड़ता है मरीज को। और पेशेंट जो बोलता है कि पेशाब होने के बाद अभी भी लगता है कि पेशाब अंदर थैली में बाकी है, और पेशाब में जलन रहती है, और उसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन भी हो जाता है। और ये क्यों होता है, नॉर्मली ये पेशाब के रास्तों में इन्फेक्शन जो होता है यूरेथ्राइटिस, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ या ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसकी वजह से होता है, या कभी पेशाब की नली ज़्यादा दिन तक डाले रहे उसकी वजह से, या कभी कभी फ्रैक्चर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से गिर गए या गाड़ी के नीचे आ गए, ट्रक एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी ये रास्ता कट जाता है, जब ये जख्म भरता है तो ये सिकुड़ जाता है। उसके लक्षण जैसे मैंने आपको बता दिए, अब उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम हो क्या हो जाता है, जब पेशाब रुकता है तो ये पेशाब थैली में रुकने की वजह से ज़्यादा दिन पेशाब रहता है तो थैली में इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, अगर यूटीआई ट्रीटमेंट नहीं किया तो ज़्यादा इन्फेक्शन, यूरोसेप्सिस बोलते हैं, बहुत भयानक कॉम्प्लिकेशन होता है। और ज़्यादा दिन पेशाब अगर रुकता है तो किडनी में सूजन हो जाती है, किडनी चौड़ी हो जाती है, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है इससे, पेशाब कभी भी अचानक से इमरजेंसी में रुक जाता है और मरीज को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना पड़ता है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशंस पे ध्यान रखना है, इसको ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और इसमें हम दो बेसिक चेकअप करते हैं, एक यूरोफ्लोमेट्री रहता है, इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जाइए मशीन में पेशाब करिए। नॉर्मल जो रहता है पेशाब जल्दी होता है, जल्दी आता है, जल्दी आता है, बेल शेप कब रहता है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में पेशाब रुक रुक के स्लोली आता है, एकदम धीरे धीरे आता है, उसको हम बॉक्स शेप पैटर्न बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है, अगर ये जो बहुत पतला नहीं रहे, हल्का पतला रहे, तो हम एंडोस्कोपी सिस्टोस्कोपी VIU बोलते हैं, वो करते हैं, एक या दो बार करते हैं, उस दो से तीन बार अगर सिस्टोस्कोपी VIU अगर करना पड़ता तो उसमें बड़ी सर्जरी लगती है, हम यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, अगर छोटा रहता है, कम पतला रहता है, तो हम डायरेक्ट इसको पेशाब के रास्ते को कट करके वापस जोड़ देते हैं। अगर बहुत ज्यादा, समझिए ये बहुत ज्यादा पतला है, काफी पतला है, तो इसमें हमको ये रास्ता कट करके निकालना पड़ता है और मुंह से चमड़ा निकाल के लगाना पड़ता है। इसलिए स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के पेशाब की नली के सिकुड़न को लाइटली नहीं लीजिए, और आपके डॉक्टर को, आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।